प्रदेश में कांग्रेस पूरे चुनावी मोड़ में है, चाहे आम सभा की बात हो, रैलियों की बात हो या जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने की बात हो। कांग्रेस पूरा जोर लगाकर प्रदेश में अपनी सत्ता और सीट बचाने में लगी हुई है। चुनावी रणनीति और पार्टी पर लग रहे आरोप पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। देखते हुए प्रदेश में लगातार जहां एक तरफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रदेश में दौरे कर रहा है, वहीं बीजेपी का भी शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में लगातार दौरे कर रहा है और यहां पर पीएम मोदी के पिछले 20 दिनों में 4 दौरा जो है वो हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक बैज जी हैं। दौरों की राजनीति जो है वो लगातार प्रदेश में चल रही है, आप लोग लगातार पीएम मोदी पर झूठ परोसने का आरोप लगाते हैं, कैसे देखते हैं इन स्थितियों को प्रदेश? ये सच्चाई है, जब भी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे उनको सीधा सीधा सत्ता का भूख है, वो सत्ता पाना चाह रहे और इसके लिए झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आप रायगढ़ की सभा में देखेंगे, यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ ही नहीं है, G20 सम्मेलन हुआ वो बोल के चले गए, धान खरीदी के लिए पैसा हम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपका गुजरात में कितने समर्थन मूल्य से आप धान खरीदी कर रहे हैं, जरा उसको स्पष्ट कर दीजिए। यूपी में आपकी सरकार है, वहां कितने समर्थन मूल्य में आप धान खरीदी कर रहे हैं, कितने किसानों को दे रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पे 2700 से अधिक पर क्विंटल दे रहे हैं, आप गुजरात और यूपी में कितने रुपए में आप धान खरीदी कर रहे हैं, ये जरा स्पष्ट बता दीजिए भाषण में। आप लोग लगातार इल्जाम लगाते हैं कि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या ज्यादा कॉम्पिटिटिव लगता है कि आप लोग दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री, तो कौन से कैरेक्टर से ज्यादा जूझ रहे हैं आप लोग, उनके झूठ बोलने वाले से कि उनके जुमले वाले से, क्योंकि दोनों ही आरोप आप लोगों के? दोनों है, हर सभाओं में आकर झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना उनका आदत है। अच्छा, यहाँ पर धान का मुद्दा जो है वो प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वहीं आप लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन जीतने के बाद 3600 रुपए रहेगा। बीजेपी लगातार आप लोगों पर सवाल उठाते रहती है कि अगर धान ही यहाँ का मुद्दा है तो कांग्रेस कहीं इसको 4000 ना घोषित कर दे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग 3600 रुपए देंगे ऐसा वादा हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन हाँ अगले समय कांग्रेस की दोबारा सरकार बन रही है, बनेगी तो कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ सरकार अपने ओर से भी देगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 3000 से ऊपर धान खरीदी समर्थन मूल्य पे छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। और हमारी सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि 20 क्विंटल हम किसानों का धान खरीदी करेंगे प्रति एकड़, तो इस तरह से हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया और आने वाला समय में किसान के हक के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कोई भी फैसला लेने को तैयार है। प्रदेश की आधी आबादी किसान है, लेकिन आधी आबादी के लिए और क्या आपके पास? हमारे पास बहुत विकल्प है, अभी घोषणा पत्र बन रही है, घोषणा पत्र आने दीजिए, हमारा घोषणा पत्र आएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चित्त हो जाएगी, इसलिए घोषणा पत्र में हम लोग के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रहेगा। तो घोषणा पत्र कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रहेगा, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का। देखने वाली बात यही होगी कि कब और कैसे ये घोषणा पत्र आता है। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से।